हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लीव डिज़ाइन के ऊपर, और ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए, ये मेरे पास बाजू की मैंने कटिंग की हुई है। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने दोनों साइड ज्वाइन डाला हुआ है। और डिज़ाइन डालने के लिए हमें एक लंबी सी पट्टी चाहिए होगी। अगर आपके पास लंबी पट्टी नहीं है तो आप टुकड़ों में भी इस चीज़ को बना सकते हो। मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो ये देखिए, 1.5 इंच के मार्जिन के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट कर लेनी है, बहुत ही लंबी सारी। मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने इसमें से लंबा पीस ही कट कर लिया है। तो ये देखिए, मेरे पास 1.5 इंच की तकरीबन ये लंबी पट्टी है। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और आधा इंच से थोड़ा सा ऊपर हमें सिलाई लेनी है यहाँ पे। ये देखिए, पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लीजिए। अगर आपके पास लंबी पट्टी नहीं है तो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में सिलाई लगा लीजिए। बस उससे थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। अगर हमारे पास लंबा पीस हो कपड़े का बचा हुआ तो एक ही पट्टी में हमारा सर जाता है। तो अब हम इसको सीधा कैसे करेंगे, देखिए। सुई में धागा डालिए, गांठ अच्छी तरह से लगा लीजिए। तो यहाँ पे 2 हमने टाँके लगाने हैं बाहर की साइड, और पूरी सुई को अंदर की तरफ दूसरी साइड से निकाल लेना है। जैसे हम पाइपिंग को सीधा करते हैं ना, सेम उसी तरह से इसको भी सीधा करना है। और मैंने आपको पाइपिंग सीधी करनी बताई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको ना पता हो। ये देखिए, सुई को मैंने इस तरह से निकाल दिया है। तो ये जो मेरे पास धागा है तो किसी चीज़ के ऊपर मैं इस तरह से इसको लपेट लूँगी, ताकि मेरा, जब मैं इसको सीधा करूँ पट्टी को, तो ये धागा ना निकल सके। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हल्के हाथों से पीछे से कपड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए थोड़ा थोड़ा, देखिए, इस तरह से आपने पट्टी को सीधा कर लेना है। जैसे हम जिस तरह से पाइपिंग को सीधा करते हैं ना, बस उसी तरह से इसको भी, पट्टी को सीधा करना है हमें। ये देखिए, अच्छी तरह से हमारी ये पट्टी बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए, सीधी हो गई ना। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। मैं इसको टुकड़ों में कट कर लूँगी पहले ही। और यहाँ पर आपने 2 इंच की लंबाई में अपने बहुत सारे स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से 2 इंच की लंबाई में आपने अच्छी तरह से अपने पट्टियों को कट कर लीजिए। इसी तरह से मैं अपनी सारी पट्टियों को कट कर लूँगी और इनको मैं साइड में कर दूँगी सबसे पहले। और ये देखिए, ये मैंने स्लीव के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ पे जितने आपकी स्लीव की लेंथ रेडी है उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगाना है। और 2 इंच अपनी स्लीव को एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड इस डिज़ाइन को करेंगे। तो तकरीबन 2 इंच का आगे की तरफ आपका फालतू मार्जिन होना चाहिए स्लीव के, जब आप स्लीव की कटिंग करें तो ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक लेस लगाऊँगी, यहाँ पर सीधा, बिल्कुल सीधा निशान लगाऊँगी मैं अपना। यहाँ पे ये मेरे पास ट्रायंगल समोसा लेस है, गोटापत्ती की ये लेस है, बची हुई थी मेरे पास। तो मैंने सोचा इसको ज़रूर ट्राई करूँ मैं अपनी डिज़ाइनिंग में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सीधी साइड आपकी ये लेस होगी तो आपने उसका फेस नीचे की तरफ करना है। अगर आपके लेस में भी उल्टा सीधा है तो उसका सीधा हिस्सा नीचे और उल्टा हिस्सा जो है वो आपको ऊपर की तरफ लगाते हुए दिखना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जो भी इसकी समोसी लेस थी, ट्रायंगल थे, इसमें बिल्कुल उसके पास मैं सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल इसके सेंटर में। ये देखिए, ताकि मैं जब इसको सीधा करूँ तो सीधा हिस्सा हमारा बाहर की तरफ दिखाई दे, इस तरह से। तो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर ही स्ट्रिप्स को अटैच करूँगी। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जितना आपने दिखाना है, आधा इंच का, 0.25 इंच का या 1 इंच का, उस हिसाब से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसके सेंटर का जो गैप है वो मैं आधा इंच का रखूँगी। आप बिल्कुल पास भी अपने स्ट्रिप्स को अटैच कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा और फासला दे सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपनी स्लीव को किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रही हूँ आपको डिज़ाइनिंग का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव का ये डिज़ाइन है। आप इसको किसी भी सूरत में बना सकते हो। आपके पास कपड़ा कम हो तब भी, आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तब भी। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बाहर की तरफ डिज़ाइनिंग आएगी। ये जो फालतू, अगर आपके पास कपड़ा है तो उसको कट कर लीजिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। और देखिए, इसको हमने कैसे फ़ोल्ड करना है। एक बार इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए, बिल्कुल कपड़े को सीधा करते हुए एक बार इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए। और जहाँ पे आपकी सिलाई पहले लगी हुई है वहीं पर आपने ये सिलाई लगानी है। और अगर आपकी सिलाई के ऊपर नीचे हुई तो आपकी डिज़ाइनिंग में, फिनिशिंग में आपकी थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो बिल्कुल प्रॉपर सिलाई वहीं पे होनी चाहिए जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है स्ट्रिप्स को अटैच करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी सिलाई आ जाएगी और ये अंडरग्राउंड स्ट्रिप्स हो जाएंगे, अंडरग्राउंड ही लाइस हो जाएगी हमारी। ये देखिए, जब इसको हम टर्न करेंगे तो कुछ हमारी इस तरह से डिज़ाइनिंग आएगी। और अब हमें यहाँ पे देखिए इसके ऊपर सिलाई लगानी है इसको फिनिशिंग देने में, और बिल्कुल ये किनारे की सिलाई आपने लगानी है छोटे बके के साथ। ये देखिए बिल्कुल इसके पास पास, इससे हमारी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल धीरे धीरे आपने सिलाई लगानी है। और ये बहुत ही सिंपल सा स्लीव का डिज़ाइन बनके रेडी है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हम अपने डिज़ाइन के अच्छे पिक्स और वीडियोस डालते रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रॉपर डिज़ाइन बनके रेडी है। पीछे की तरफ में जो कपड़ा मेरा है फैब्रिक, यहाँ पर मैं तरपाई कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल हमारे यहाँ पे तरपाई करते हुए यहाँ पे मैं अपनी स्लीव की सिलाई लगाऊंगी। जितनी मेरी स्लीव रेडी है, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ये मेरा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन बनके हमारे पास रेडी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी नई वीडियोस डालें फ्यूचर में तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।